आपने कहा कि वाइल आई एम लर्निंग आई एम ऑल्सो सक्सीडिंग, आई थिंक दैट्स अ वेरी लकी प्लेस टू बी इन. बट क्या आप सिर्फ लक को क्रेडिट देंगे इसके लिए? नहीं, लक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप अपनी फिल्म देखते हैं, जैसे मैंने आंखें का फर्स्ट कट 23 मार्च को देखा था और 5 अप्रैल को फिल्म रिलीज 23 मार्च 2002 और 5 अप्रैल को फिल्म रिलीज पे थी और मुझे समझ में आ गया था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है. मुझे परेश रावल और सुष्मिता को उसमें नहीं मारना चाहिए था और मैं उस फिल्म को घुमा सकता था. दो दिन का मुझे शूटिंग टाइम चाहिए था और 23 मार्च को तो मैंने फर्स्ट कट देखा था और 28 मार्च को मुझे डिलीवर करनी थी फिल्म. मिक्सिंग बाकी थी, बैकग्राउंड बाकी था, बहुत कुछ बाकी था. तो फिर भी मैंने कहा मैं डे नाइट करूंगा, मुझे दो दिन मिल जाए. नहीं मिले. फर्स्ट फिल्म में अक्सर ऐसा होता है, नहीं मिलता आपको. तो, कम सीरियसली लिया जाता है. हाँ, मतलब चलो भाई हो गया, अब ठीक है. तो मैं जिस दिन कॉपी निकली 28 मार्च को, हमने बहुत डे नाइट कुछ 72 आवर्स नॉनस्टॉप काम किया और करके कॉपी डिलीवर की और मैं सीधा घर गया और मैंने ऐसे मतलब एक ही चीज की प्रार्थना की कि जो गलती मुझे समझ में आई है उसे ऑडियंस पब्लिक को नहीं नजरअंदाज कर दे, उसे उतना सीरियसली ना ले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. और मैंने अमित जी को फोन किया और अमित जी से बात हुई. अमित जी ने कहा कि क्या लग रहा है तुझे? मैंने कहा सर सब ठीक है, क्लाइमैक्स में मैंने गलती कर दी है. अब आपने ये अमिताभ बच्चन साहब को बिफोर द रिलीज बोल दिया जी. और अक्षय को भी मैंने कहा, मैंने कहा अक्षय गलती हो गई है क्लाइमैक्स की, अब सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि लोग उसे उस तरीके से ना देखें और जो हमें गलत लग रहा है उन्हें इतना गलत ना लगे. और वैसा ही हुआ. तो मैं इसलिए मानता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक फैक्टर है जो मेरे साथ अब तक रहा है. तो लक के अलावा मेहनत करनी पड़ती है, आपको ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, कभी कभी बहुत कड़वा क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार रहना पड़ता है. और मैं एनकरेज करता हूं क्रिटिसिज्म को. अगर आप देखें तो आपने मेरी हर फिल्म की मतलब धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन मेरी और आपकी दोस्ती है बिकॉज आई बिलीव दैट योर रिव्यूज आर ऑनेस्ट एंड यू डोंट मिक्स प्रोफेशनल एंड फ्रेंडशिप टुगेदर. And so I respect it. So I read your reviews. Correct. Most of the times I don't even read the reviews. तो मैं review इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे गलती पता चले, इसलिए नहीं कि क्या अच्छा लिखा है. अक्सर ये होता है कि अगर मेरी फिल्म को 3.5-4 स्टार का रिव्यू किसी ने दिया है तो मैं वो रिव्यू नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि तारीफ ही लिखी. हाँ, कि उसने तो सब अच्छा लिखा है जो मैं समझता हूँ. जहां 1.5-2 स्टार वाला रिव्यू कोई लिख दे तो मुझे लगता है कि ये जरूर पढ़ना चाहिए कि इस आदमी को क्या गलती लगी, क्या उस गलती में से मुझे कुछ सीखना चाहिए. So that is why वो process on रहता है. But I try and keep my balance के मैं criticism को बहुत healthy तरीके से लूँ.